निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज पर सरकार ने अब शिकंजा कसा है। निजी कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार की नजर है। चयन समिति बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। शिक्षक नियुक्ति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे तकनीकी शिक्षा निदेशक। प्रिंसिपल नियुक्ति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे उच्च शिक्षा सचिव। निजी कॉलेज अब गवर्निंग बॉडी के माध्यम से नहीं रख पाएंगे शिक्षक। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रिंसिपल नियुक्ति चयन समिति के अध्यक्ष उच्च शिक्षा सचिव होंगे और ये समिति ही निर्णय लेगी। निजी कॉलेज अब गवर्निंग बॉडी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति कर पाएंगे। निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज पर यह शिकंजा कसा है। निजी कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार की नजर है और इसलिए ये फैसला लिया गया है। चयन समिति बनाकर अब शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। इस मामले पर सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए अपडेट के साथ। अजय, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मनमानी अब नहीं चलेगी, चयन समिति होगी और उससे अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। क्या फिलहाल और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल आशा, देखिए बहुत बड़ी खबर है। आज की तारीख में अब से पहले होता यह था कि कोई भी व्यक्ति निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल लेते थे और AICTE से उन्हें मान्यता मिल जाती थी और खुद की गवर्निंग बॉडी बनाकर वो शिक्षकों की नियुक्ति कर लेते थे। कौन शिक्षक होगा, कौन प्रिंसिपल होगा, ये सब कुछ कॉलेज वाले खुद ही तय कर लेते थे। लेकिन अभी मात्र 2 दिन पहले केंद्र सरकार का एक पत्र मिला है झारखंड सरकार को, जिसमें यह कहा गया है या जितने भी निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे और PPP मॉडल पर जो निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे उसमें जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसके लिए चयन समिति का निर्माण होगा और उस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे सरकार के टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर यानी कि, और उसके बाद जो प्रिंसिपल की नियुक्ति होगी ऐसे कॉलेजों में उसके लिए जो चयन समिति बनेगी उसके अध्यक्ष होंगे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और इन दोनों ही पदाधिकारियों की रिकमेंडेशन के बाद ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षक और प्रिंसिपल रखे जा सकेंगे। और साथ ही सरकार ने एक और सख्ती यह भी कर दी है कि जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं निजी को पॉलिटेक्निक कॉलेज और PPP मोड पर वहाँ के शिक्षकों का जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार होता था अब उसमें छात्रों की भी सहमति ली जाएगी। छात्रों से पूछा जाएगा कि अमुक शिक्षकों ने कितने क्लास लिए, उनका व्यवहार कैसा था, क्या उन्होंने लेबोरेटरी में वक्त दिया कि नहीं दिया, ये तमाम चीजें होंगी। कुल मिलाकर कह सकती आशा कि झारखंड विभाग ने सरकार ने जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है उस पर सख्ती कर दिया है, शिकंजा कस दिया है पूरी तरह से, अब मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन लेकिन अजय एक और दिक्कत लग रही है, शिक्षकों की भारी कमी है सभी संस्थानों में और अगर फिर एक समिति के माध्यम से चयन समिति के माध्यम से चयन होगा तो फिर ये लटकता हुआ मामला नजर आ रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति में और ज्यादा देरी होगी। देखिए आज सरकार की यह सोच है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए। अभी जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज है 17 निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज है और 8 ऐसे कॉलेज है जो PPP मोड पर चल रहा है जी। अब तक स्थिति ये है कि कोई समान सा ग्रेजुएट व्यक्ति यदि कॉलेज के संचालक से उसकी जान पहचान है तो वो शिक्षक बन जा रहा है, क्योंकि AICTE का नियम ये नहीं कहता है कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए। अभी तक जो प्रैक्टिस में चीजें हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के डायरेक्टर से उसकी जान पहचान है, उसकी वहां तक पहुंच है, किसी ने कॉलेज खोला है, उसके मालिक है, तो उनके रिकमेंडेशन पर शिक्षक रख लिए जाते हैं। आज की तारीख में जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, कई ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जहां पर समान ग्रेजुएट शिक्षक बनकर नौकरी कर रहा है। सरकार चाहकर भी ऐसे शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती थी, लिहाजा ऐसे सख्त नियम बनाए गए हैं। चलिए ये बड़ा कदम और अहम कदम है सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल इस तमाम जानकारी के लिए।